करनाल जिले में धान की फसल से बचे अवशेष को जलाने का सिलसिला जारी है। जिला कृषि अधिकारी आदित्य प्रताप डबास ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा 98 किसानों की लोकेशन को ट्रेस किया गया है, जिन्होंने धान की फसल के अवशेष जलाने के काम किए हैं, जिनमें से 78 जमीन के मालिकों का भी पता किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी वह की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के अवशेष ना जलाने का विकल्प दिया जा रहा है, उसके बाद भी किसान अवशेष जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य कर रहे हैं। अवशेष जलाने वालों को नोटिस दिए जाएंगे एवं विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह फसल के अवशेष ना जलाएं, क्योंकि इससे फसल की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है एवं पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि अवशेष जलाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं सिविल सर्जन करनाल डॉक्टर योगेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान इस तरह फसल के अवशेष जलाना और भी भयंकर साबित हो सकता है, क्योंकि धुएं का सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है और ज्यादा नुकसान देता है। उन्होंने आह्वान किया कि किसान फसल के अवशेष ना जलाकर सरकार द्वारा दी जा रही नई सुविधाओं को अपनाएं। यहां हम आपको बता दें कि ज्यादातर किसान जागरूक भी हो रहे हैं, परंतु कुछ किसान अब भी फसल के अवशेष जला रहे हैं, जिन पर कृषि विभाग कड़ी नजर जमाए हुए हैं। करनाल से विशेष समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जो बिकॉज इस समय कोविड पेंडेमिक चल रहा है और हम सबको पता है जो कोरोना वायरस का जो मेन इन्फेक्शन है वो लंग्स के ऊपर रहता है, तो ऐसे समय में जब कोविड की महामारी चल रही है और केसेस काफ़ी आ रहे हैं, उसी समय पे अगर हमारे वातावरण में या इसमें पोल्यूशन होता है किसी भी कारण से हो, चाहे वो इस धुएं से हो और चीज़ों वो चीज़ें और एग्जेजरेट कर सकता है। और इसलिए हम ये सभी को लोगों को हम बार बार लोगों को अपील भी करते हैं कि जब वो बाहर निकलें प्रॉपर मास्क पहन के रखें, पोल्यूशन से भी बचाता है और एक दूसरे से संक्रमण से भी बचाता है। तो नेचुरली ये इस चीज़ों को कंटेल करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह का पोल्यूशन ना हो। सर, अगर जो पोल्यूशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों के लिए या बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है, जैसे कोरोना नहीं, देखो नॉर्मल टाइम पे भी अगर एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो वो जितने भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस हैं, एस्थमेटिक केसेस हैं, उन सभी को प्रॉब्लम आती है। और इस समय तो और भी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है और उसका मेन इफेक्ट जो है वो लंग्स पे होता है। और साथ में जो लोग ठीक भी हो जाते हैं पोस्ट कोरोना जो पेशेंट्स हैं उसमें भी कई देर तक इनका पल्मोनरी इफेक्ट देखने में आया है। तो इसलिए पोल्यूशन जो है ऑफ कोर्स पोल्यूशन का एक गलत असर और बुरा असर पड़ सकता है। वो बिल्कुल सबसे पहले तो यही है कि हम जो हम रूटीन में कोविड के लिए सावधानी बरतते हैं कि बाहर निकलें तो अपना मास्क वगैरह लगा के रखें और जहाँ तक हो सके बाहर तभी निकलें अगर हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोविड से भी बचना है और अगर हमें उसके लक्षण हैं या उसकी पोस्ट कोविड इसकी दिक्कत है तो हमें पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से भी बचना है। देखिए, अभी तक जो एक्टिव फायर लोकेशंस हमारे प्राप्त हुए हैं वो 98 प्राप्त हुए हैं कि 98 जगह पर आग फार्मों में लगाई गई है। उनमें से 78 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट से ये भी तफ्तीश करवा ली गई है कि ये किन किन फार्मर्स की ज़मीन है। तो इस कंडीशन में मैं किसान भाइयों से आह्वान करूँगा कि वो इस तरह के कार्य ना करें। अब जिले के अंदर 251 कस्टमर हायरिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में मशीन है और तकरीबन 25-30 साल हमारे पास बेलर भी आए हैं जो हमने किसानों को सब्सिडी पे दिए हैं, यानी कि मशीनों का कोई कमी नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर जो कोई किसान भाई जान पूछ करके या सिर्फ उसको आग के हवाले का प्रदूषण फैला करके दूसरों को दूसरे लोगों को इससे नुकसान पहुंचता है या दूसरे किसान भी इससे प्रभावित होते हैं, ऐसा कार्य निश्चित तौर पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, क्या कितने अब तक कोई शिकायत वगैरह हुई? शिकायत हमारे पास से जो जागरूक किसान हैं, जागरूक आम जन जो जागरूक हैं, उनके फ़ोन आते रहते हैं कि फलां गांव में किसान ने आग लगाई हुई है, क्योंकि रोड से जब भी गुजरते हैं वो करनाल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो जीटी रोड के ऊपर है, राजमार्ग के ऊपर है, तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हमारे मिलती रहती हैं कि जिस जगह पर ये स्पॉट पर आग लगाई हुई है वहाँ जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती तुरंत हमारा जो भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर कंसर्न होता है वहाँ पहुँचता है, उसके आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर जो पोल्यूशन एक्ट के प्रोविजन्स हैं या फाइन का प्रोविजन्स है, दूसरा कोई FIR का प्रोविजन्स है, वो सब कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.